सुप्रभात बच्चों, कक्षा प्रथम पहली कक्षा विषय हिंद। हमने पिछले वीडियो में देखा था पाठ 10 भाग 1 में हमने दो अक्षर वाले शब्द देखे थे। उसमें क्या देखा था, पाठ में उमात्रा। तो उमात्रा के बारे में हमने क्या सीखा था कि उमात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। उमात्रा जो है हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है, पर वह इस उमात्रा पहले उमात्रा की तरह बाई तरफ ऊपर उठती नहीं, तो वो क्या करती है, व्यंजन के नीचे गोला बनाकर दाहिनी तरफ झुकती है। उमात्रा क्या करती है, हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है और गोला बनाकर दाहिनी तरफ नीचे झुकती है, यह उमात्रा। और इस तरह से हमने हर एक व्यंजन के नीचे गोला बनाकर दाहिनी तरफ नीचे झुका दिया, यह हो गया उ की मात्रा कु। कैसे हो गया कु। इस तरह से हमने कु से शुरू तक व्यंजन बनाए थे। एक बार फिर से आपके सामने पढ़ती हूँ, कु खु गु घु नु चु छु जु झु टु ठु डु धु नु तु थु दु धु नु चु छु जु झु टु थु डु धु नु तु थु दु धु नु पु पु बु भु मु यु रु लु बु शु शु सु हु क्षु त्रु और न्यु। उसके बाद शु। इस तरह से हमने सारे व्यंजनों को कु से शुरू तक लिखा था। उसके बाद कु मात्रा लगाने के बाद हमने दो अक्षर वाले शब्द भी देखे थे अलग अलग। तो वो दो अक्षर वाले शब्द कैसे बने हैं, जैसे कि आ प्लस ल प्लस उ की मात्रा। उ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे रखती है। वो शब्द बना आगे देखिए, दूसरा शब्द है काजू। तो वो कैसे, का प्लस ज जैसे जहाज प्लस उ की मात्रा इज इक्वल टू काजू। पहला शब्द हमने क्या देखा था, आलू। आ प्लस ल प्लस उ की मात्रा इज इक्वल टू आलू। उ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे गोला बनाकर दाहिनी तरफ नीचे झुकती है। तो ये शब्द कौन सा बना, आलू। दूसरा शब्द है काजू। का प्लस ज प्लस उ की मात्रा इज इक्वल टू काजू। तीसरा शब्द जूता। ज प्लस उ की मात्रा प्लस ता इज इक्वल टू जूता। उसके बाद चौथा है पूरी। म प्लस उ की मात्रा प्लस ली इज इक्वल टू मूली। इस तरह से हमने दो अक्षर वाले कई सारे शब्द देखे थे, जैसे कि भालू, चूहा, आलू, काजू, धूल, फूल, दूध, पूरी, खूब, जूता, मूली, नींबू। अलग अलग हमें दो अक्षर वाले शब्द कैसे बनते वो देखा था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, तीन अक्षर वाले शब्द। तीन अक्षर वाले शब्द कैसे बनते हैं, तो यह है रुमाल। र प्लस उ की मात्रा प्लस मा प्लस ल इज इक्वल टू रुमाल। र को उ की मात्रा के साथ जोड़ दिया है, ये तीन अक्षर वाले शब्द हमने बनाए हैं। इसके बाद एक दूसरा शब्द नाखून। ना प्लस ख प्लस उ की मात्रा प्लस न इज इक्वल टू नाखून। उसके बाद तीसरा शब्द हमने क्या देखा, मूरख। म प्लस उ की मात्रा प्लस र प्लस त इज इक्वल टू मूरख। उसके बाद पूनम। प प्लस उ की मात्रा प्लस न प्लस म इज इक्वल टू पूनम। आपको क्या करना है, ऐसे ही दो अक्षर वाले कई सारे शब्द हो उसको अलग अलग करके इस तरह से लिखना है। जैसे कि हमने आ प्लस ल प्लस उ की मात्रा आलू, दो अक्षर वाले शब्द देखे। काजू। का प्लस ज प्लस उ की मात्रा इज इक्वल टू काजू। उसके बाद ज प्लस उ की मात्रा जू प्लस ता इज इक्वल
उसके बाद मूली, म प्लस उ की मात्रा प्लस ली इज इक्वल टू मूली। ये हो गए दो अक्षर वाले शब्द। इसी तरह हमने क्या देखा, तीन अक्षर वाले शब्द भी बनाए, र प्लस उ की मात्रा प्लस मा प्लस ल इज इक्वल टू रुमाल। उसके बाद ना प्लस ख प्लस उ की मात्रा प्लस न इज इक्वल टू नाखून। इसके बाद मूल, म प्लस उ की मात्रा प्लस र प्लस त इज इक्वल टू मूल। और पूनम, प प्लस उ की मात्रा प्लस न प्लस म इज इक्वल टू पूनम। तो हमें एक बार उ की मात्रा लगाने के बाद इस तरह से हम दो अक्षर वाले शब्द और तीन अक्षर वाले शब्द भी बना सकते हैं। उसके कई सारे उदाहरण देखें। तीन अक्षर वाले शब्द में सूरज, सूरज कैसे होगा, स प्लस उ की मात्रा प्लस ल प्लस ज इज इक्वल टू सूरज। ये शब्द है तराजू, त प्लस ना प्लस ज प्लस उ की मात्रा इज इक्वल टू तराजू। अब ये है तीसरा शब्द चूर्ण, च प्लस उ की मात्रा प्लस ल प्लस न इज इक्वल टू चूर्ण। अब है खजूर, ख प्लस ज प्लस उ की मात्रा प्लस ल इज इक्वल टू खजूर। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, जैसे कैसे बनाए हैं, म प्लस उ की मात्रा प्लस ल प्लस त इज इक्वल टू मूरत। ऐसे ही मूरत, म प्लस उ की मात्रा प्लस ल प्लस त इज इक्वल टू मूरत। उसके बाद है रुमाल, र प्लस उ की मात्रा प्लस मा प्लस र इज इक्वल टू रुमाल। इस तरह से हम तीन अक्षर वाले शब्द भी बना सकते हैं। आप प्लस करके अलग अलग व्यंजनों को करके उ की मात्रा अलग से लगा कर फिर मा प्लस ल इस तरह से शब्दों को अलग अलग करके भी आप इसका विश्लेषण कर सकते हो। इस तरह से दो अक्षर वाले शब्द और तीन अक्षर वाले शब्द भी बना सकते हो। तो अभी क्या है, चार अक्षर वाले शब्द, चार अक्षर वाले शब्द, ख र भुजा, ख प्लस र प्लस व प्लस उ की मात्रा प्लस जा खरबूजा। दूसरा शब्द क्या है, तरबूज, त प्लस र प्लस व प्लस उ की मात्रा प्लस ज तरबूज। इसके बाद तीसरा है मतलू, प प्लस त प्लस ल प्लस उ की मात्रा प्लस न इज इक्वल टू मतलू। यह कबूतर, क प्लस व प्लस उ की मात्रा प्लस त प्लस र इज इक्वल टू कबूतर। अब यह मजदूर, म प्लस ज प्लस द प्लस उ की मात्रा प्लस र इज इक्वल टू मजदूर। पतु, दोबारा गया, प प्लस त प्लस ल प्लस उ की मात्रा प्लस न इज इक्वल टू पतु। इस तरह से आप अलग अलग दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्दों को भी हम बना सकते हैं। तो देखिए, आज हम पार्ट टू में एक कविता आपके सामने पढ़ने वाली हूँ जिसमें ये सारे शब्द है। ध्यान से सुनिए, पहले सीखी सभी मात्राओं के साथ, जैसे कि हमने अ मात्रा सीखी थी, आ, ई मात्रा भी सीखी थी, दूसरी ई, उ मात्रा और अब बड़ा उ। इस तरह से हमने सारी, जब तक अब तक हमने जितनी मात्राएं सीखी उन मात्राओं के साथ बनी ये कविता है, उसके आपके सामने ये पढ़कर सुनाती हूँ। कविता का नाम है उल्टा पुल्टा। कविता का नाम क्या है, उल्टा पुल्टा। देखिए कविता जो है, कई सारे पशु या प्राणियों के साथ, पक्षियों के साथ ये कविता है और बड़ी मजेदार कविता है, आपको अच्छा लगेगा पढ़कर। पतलून पहनकर भालू नाचा, इसलिए पतलून चार अक्षर वाला शब्द आ गया, भालू दो अक्षर वाला, और दोनों में भी इस उपमात्रा का प्रयोग किया है। भालू ल को दूसरा उ की मात्रा लगाई है और पतलून उसमें भी उ की मात्रा लगाई हुई है। तो देखिए उल्टा पुल्टा कविता में, पतलून पहनकर भालू नाचा, चूहा लाया लाल रुमाल। पतलून पहनकर भालू नाचा, चूहा लाया लाल रुमाल, मिलकर खाए
हाथी बैठा झूले पर मछली खाए तरबूज चुलिया रंधिया में ले डुबकी सारस के कंजूस। अलग अलग बताए देखो, पतलून पहनकर भालू नाचा, भालू ने क्या पहना है, पतलून। पतलून पहनकर भालू नाचा चूहा लाया लाल रुमाल, चूहा कौन सा रुमाल लाया, लाल रुमाल। मिलकर खाए आलू पूरी खूब उड़ाया माल, मिलकर हम सब क्या करते हैं आलू और पूरी का स्वाद लेते हैं और हमने कई सारे माल में मतलब खाने के व्यंजनों को हमने खाया है। हाथी बैठा झूले पर, हाथी कहाँ बैठा है, झूले पर। मछली खाए तरबूज, मछली क्या खाती है, तरबूज। इसमें सब उल्टा पुल्टा दिया है, कविता का नाम ही उल्टा है। हाथी बैठा झूले पर मछली खाए तरबूज चुनिया नदिया में ले डुबकी सारस कंजूस। आपने कभी चुड़िया को या चूहे को नदी में डुबकी लगा के देखा है, पर उल्टा पुल्टा कविता में सब कुछ उल्टा पुल्टा बताया। देखिए, पतलून पहनकर भालू नाचा चूहा लाया लाल रुमाल, मिलकर खाए आलू पूरी खूब उड़ाया माल। हाथी बैठा झूले पर मछली खाए तरबूज चुहिया नदिया में ले डुबकी सारस के कंजूस। कबूतर करता बुलबुल को चटाक चटाक चूर्ण खाता, इसमें क्या बताए, कबूतर जो है वो चूर्ण खाता है। बुलबुल चखती नींबू खट्टा, बुलबुल क्या चखती है, नींबू, नींबू खट्टा। हिरन अंगूठी पहन रहा था, हिरन क्या पहनता है, अंगूठी। बकरी खाए दूध मलाई घड़ियाल खरबूजा खाता है, बकरी खाए दूध मलाई घड़ियाल खरबूजा खाता है। जूता पहनकर उड़ गई तितली गिरगिट गिटार बजाता है, जूता पहनकर उड़ गई तितली, तितली ने क्या पहना है, जूता पहना है और गिरगिट गिटार बजाता है। इस तरह से अलग अलग यहाँ पे मतलब उल्टा पुल्टा सब प्राणी के बारे में उल्टा पुल्टा बताया है कि चूहा नदिया में डुबकी ले रहा है, मछली तरबूज खा रही है, घड़ियाल खरबूजा खा रहा है, कबूतर क्या कर रहा है, चूर्ण चख रहा है और बुलबुल नींबू खट्टा चखती है। बकरी खाए दूध मलाई, उल्टा पुल्टा कविता बड़ी दिलचस्प है। देखिए, पतलून पहनकर भालू नाचा चूहा लाया लाल रुमाल, मिलकर खाए आलू पूरी उड़ाया माल। हाथी बैठा झूले पर मछली खाए तरबूज चुहिया नदिया में ले डुबकी सारस के कंजूस। कबूतर करता उल्टा पुल्टा चटाक चटाक चूर्ण खाता, बुलबुल चखती नींबू खट्टा, हिरन अंगूठी पहन उतराता, बकरी खाए दूध मलाई घड़ियाल खरबूजा खाता है, जूता पहन कर उड़ गई तितली गिरगिट गिटार बजाता है। तो उल्टा पुल्टा में अगर ऊकी मात्रा लगाते हुए दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले, जैसे कि खरबूजा तरबूज पतलून कबूतर तराजू चूर्ण खजूर, ये सारे शब्द आ गए हैं। और इसमें देखिए क्या होता है, अलग अलग चित्र और उनके नाम आपको लिखने, जैसे ये भालू चूहा कबूतर अंगूठी तरबूज खरबूजा, अलग अलग नाम है और इसमें आपको ये चित्र देखकर नाम लिखना होता है। पहला चित्र किसका है, भालू का, भालू चूहा कबूतर अंगूठी तरबूज और खरबूजा। तो इस तरह से अलग अलग नाम इसमें लिखने हैं, सभी में उपमात्रा लगाई हुई है। तो हमने क्या सीखा, उपमात्रा जो है वो हमेशा व्यंजन के नीचे गोला बनाकर दाहिनी तरफ नीचे झुकती है। इस तरह से हमने पू से लेकर शुरू तक सारे व्यंजन बना दिए थे, पू 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 पू, इस तरह से शुरू तक हमने सारे व्यंजन बनाए। उसके बाद हमने दो अक्षर वाले शब्द जैसे कि आलू काजू जूता मूली कैसे बनाए, अलग अलग प्लस करके ये हमने सीखा। इसके बाद तीन अक्षर वाले शब्दों को भी हमने अलग से विश्लेषण करके र प्लस उ की मात्रा प्लस मा प्लस ग इक्वल टू मान ये देखा। इस तरह से आप चार अक्षर वाले शब्द भी बना सकते हो। इस तरह से पूरी कविता में दो अक्षर वाले तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले शब्दों का मिला है उल्टा पुल्टा कविता और इसमें अलग अलग प्राणियों के नाम जिसके रूपांतर लगाए हुए हैं।
आपको बच्चों आज उ मात्रा कैसे लगाते हैं, हमेशा विभिन्न के नीचे होती है और गोला बनाकर दाहिने तरफ नीचे आती है। इस तरह से हमने पूर्व से शुरू तक व्यंजन भी देखे, दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले शब्द भी देखे। आप भी बच्चों आपको क्या करना है, दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले, चार अक्षर वाले शब्दों की सूची बनानी है और उसको बार बार पढ़ना है। तो आज पाठ 10 उ मात्रा यहाँ पे पूर्ण होता है और आपको यह उ मात्रा कैसे लगाते हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।